अभी हम ठीक पुलडोड़ा गठ रोड पे खड़े हैं और मैं आपको बताता चलूं कि पुलडोड़ा गठ रोड ये वही रोड है जिस रोड की खबर स्ट्रेट लाइन जो है बार बार कर रहा है और इस हालात जो है आप तक दिखा रहा है। पहले भी जो है लगभग 10 से 12 लाख रुपए का टेंडर यहाँ पर निकाला गया और कहा यह जा रहा था कि जो भी पैचेस बीच में यहाँ पर हैं इस पुलडोड़ा गठ रोड पर इसको जो है पूरा किया जाएगा, ठीक किया जाएगा और इसकी हालत को सुधारा जाएगा, लेकिन अभी भी पुलडोड़ा गठ रोड की हालात जो है बिल्कुल ख़राब और खस्ता है। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड टू विलेज घाट, कॉर्मेड मेडिकल कॉलेज घाट और इस तरफ की अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल काउंसिल डोडा सिटी, यानी एक तरफ डोडा सिटी के लिए रास्ता जाता है और जिस रास्ते पे अभी हम मैं खड़ा हूँ बिल्कुल रोड टू विलेज घाट है और साथ ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घाट, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है घाट में बना है और उसकी तरफ जो रास्ता है वो भी यहीं से जाता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी खस्ता हालत में पुलडोड़ा गठ रोड। आपको मैं तस्वीरों में सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि ये पुलडोड़ा गठ रोड है और इस गठ रोड की अगर हम बात करें बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग से लेके गठ तक और गठ से लेके बिल्कुल यहाँ तक स्टार्टिंग तक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं काफ़ी खस्ता हालात में है। कोई गाड़ी यहाँ से चले, बस ट्रक बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पर चले, गाड़ी चलने के बाद डस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है उठना शुरू हो जाता है और काफ़ी सारे लोग जो है परेशान है इस सब से। उसके अलावा पूरे गठ की बात करें तो गठ के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि डस्ट की वजह से उनके घर में भी वो डस्ट चली जाती है और कहीं ना कहीं घर की हालात भी जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यानी पुलडोड़ा गठ रोड की हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ही है, लेकिन इससे नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को भी है, एनवायरनमेंट को भी है, क्योंकि यहाँ से जो डस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा निकल रही है और कहीं ना कहीं नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से लगातार पुलडोड़ा गठ रोड की, बार बार हमने यहाँ पर खबर की कि टेंडर निकाले गए कि पॉट फिल होंगे, अभी तक जो है बिल्कुल बीच में वैसे का वैसा ही है आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अन्य बहुत सारे टेंडर उसके बाद निकाले गए, चाहे वो वाल की बात करें, लेकिन हालात वैसी की वैसी है, कोई भी डेवलपमेंट अभी तक नहीं है, कोई भी तवज्जा जो है अच्छे से अभी तक नहीं है, कोई भी हालात जो है इस सड़क की अभी तक ठीक नहीं हुई है। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं और बार बार जो है हम इसकी खबर कर रहे हैं क्योंकि एक तो गठ की तरफ ही रास्ता जाता है और साथ ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की तरफ ही रास्ता जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100 करोड़ की लागत से बनने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते की हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर कोई पेशेंट जो है लेना होगा, किसी को अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना होगा, यानी लोगों को यहाँ पर चलना है तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। अभी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना जो है इन गाड़ियों को भी करना पड़ता है। कोई जो भी ड्राइवर हो, जो भी अपनी गाड़ी लेके है, वो यहाँ से अपनी गाड़ी का विंडो जो है नहीं खोल सकता। अभी हम खबर कर रहे हैं इस वक्त भी जो है गाड़ी यहाँ से निकली और डस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उठ गई, यानी हालात बद से बदतर है। बीच में आप देख सकते हैं क्रशर्स हैं, सैंड है, बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच जो है रखी गई है सैंड माफिया। जिस तरह हमने बार बार कहा कि सैंड माफिया आपने पहले अलग अलग जगहों पर देखा था, अब पुलडोड़ा गठ रोड पे भी ये सैंड माफिया है जो बिल्कुल हर जगह हर रास्ते पे जो है सैंड रखे जा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है कोई जवाबदेही नहीं। उसके अलावा क्रशर्स जो है बीच रास्ते में है और जिनकी क्रशर्स तो चलो है ही है, काम अपना कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो गाड़ियाँ लगती हैं बिल्कुल बीच सड़क पे लगती है और उस जगह को बिल्कुल भी मैगनमाइज नहीं किया गया, उस जगह पे पॉट होल भर के हैं, हालात ख़राब है, बारिश पड़ती है तो स्लिपरी जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी गई। पूरे पुलडोड़ा गठ रोड की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बद से बदतर जो है पुलडोड़ा गठ रोड है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। क्यों जो है पुलडोड़ा गठ रोड पर जो है तवज्जो नहीं दी जाए? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का जो रास्ता है वो भी यहीं से है, दो रास्ते हैं, एक डोडा सिटी से होके जाता है, एक पुलडोड़ा गठ रोड से होके जाता है, लेकिन डोडा सिटी का जो रास्ता है आगे से वो भी ख़राब है, यानी गठ से लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक वो भी बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद पुलडोड़ा से लेके गठ तक या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक जो रास्ता बिल्कुल ख़राब है, लेकिन इन रास्तों पर जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है। सैंड माफिया बीच रास्ते में है लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। क्रशर जो है काम तो कर रहे हैं लेकिन क्रशर्स की वजह से नुकसान कितना हो रहा है उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। उसके अलावा क्रशर्स की वजह से जो गाड़ियाँ जो है बीच रास्ते में लगाई जाती है, डंपर हैं, टिप्पर हैं, बीच रास्ते में लगाए जाते हैं, गाड़ी वालों को चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कोई गाड़ियाँ आती है तो अभी तो दिन का वक्त है, दिन के वक्त तो थोड़ा बहुत मतलब ठीक रहता है, साइड पर कम रश रहता है, लेकिन थोड़ी अगर शाम हो जाए तो हालात बद से बदतर हो जाती है, बिल्कुल चलने की जगह नहीं होती, आम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यानी क्रशर्स अपनी जगह ठीक है लेकिन क्रशर्स के वजह से जो रास्ते ख़राब है, क्रशर्स की वजह से जो गाड़ियाँ बीच रास्ते में लगाई जाती है उसका जिम्मेवार कौन है? क्यों अभी तक जो इन सब चीज़ों पे कार्रवाई नहीं की गई? क्यों पुलडोड़ा गठ रोड
जो रोड जो है घाट विलेज घाट के लिए जाती है, उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाती है, क्यों इस रोड को अभी तक ठीक नहीं किया गया? क्यों इस रोड की हालात जो है ऐसी कर दी गई है? क्यों इस रोड पे जो है लगातार बार बार खबर करने के बावजूद भी इस पे जो है तवज्जा नहीं दी जाती है? क्यों इस रोड को ऐसा ही रख दिया गया है ताकि लोग बीमार हों, डस्ट का शिकार हो, पूरा घाट जो है डस्ट का शिकार हो चुका है, लेकिन इस पे तवज्जा नहीं हुई। घाट के लोग आज भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जब हमारी उनसे बातचीत होती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है डस्ट को लेके, कि डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, घरों में डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस रास्ते को नहीं देखा जाता है, इस रास्ते पर मैग्नमाइज़ नहीं की जाती, इस रास्ते को बेहतर नहीं बनाया जाता है, लेकिन इस पे तवज्जा दे तो देखो। आप देख सकते हैं कि इस रोड की हालात जो है बद से बदतर, चाहे गाड़ी यहाँ से कोई निकले, कोई भी यहाँ से निकले, देखो ये डंपर अभी यहाँ से निकल रहा है, इसकी वजह से भी आगे डस्ट उठेगा क्योंकि रास्ते की हालत ख़राब है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं डस्ट जो है उठना शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाया, आप देखिए डस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। ये तो इस जगह की हालात है, आगे आगे देखिए आप डस्ट कितना ज़्यादा है, बद से बदतर हालत में जो है पुलडोड़ा घाट रोड है, लेकिन आज तक जो है इस पर तवज्जा नहीं दी गई, आज तक पुलडोड़ा घाट रोड को नहीं देखा गया। कारण बहुत सारे हैं, आप लोग भी जानते हैं, डिपार्टमेंट भी जानता है, लेकिन अभी तक जो है पुलडोड़ा रोड को नहीं देखा गया, पुलडोड़ा घाट रोड की हालात को नहीं देखा गया। सैंड माफिया जगह जगह पड़ा हुआ है, रेत ही रेत पूरे रास्ते पे है, मिट्टी ही मिट्टी पूरे रास्ते पे है, लेकिन इस रास्ते को नहीं देखा गया। क्रशर्स की वजह से जो दिक्कतें अभी आम लोगों को उठानी पड़ रही है, क्रशर्स की वजह से जो दिक्कतें जो है सड़क को आप देख सकते हैं, सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कंटिन्यू हम आपको वीडियोस भी दिखा रहे हैं, हालत देखिए आप कितनी ख़राब है, लेकिन इस रोड पर तवज्जा नहीं दी गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो है रास्ता जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए फिर से बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता जाता है, लेकिन उस रास्ता जो उस ओर जाता है उसकी हालात जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इस पर तवज्जा नहीं दी गई। उम्मीद रहेगी कि इस रास्ते को देखा जाएगा, इस रास्ते को ठीक किया जाएगा, जो पैसा इस रास्ते पर लगाया जा रहा था उसको भी देखा जाए, आखिर क्यों इतना पैसा लगाने के बाद अभी जो है ये रास्ता ठीक नहीं है, क्यों इसकी हालत ऐसी ख़राब है, क्यों इन सब चीज़ों को नहीं देखा गया। उसके अलावा बीच में क्रशर्स भी हैं, बिल्कुल बीचों बीच जो है रास्ते के साथ में उनका मटेरियल रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती, क्वेरीज होती है, अलग अलग जगहों पे जो है लोकेशंस चेंज कर दी जा सकती है, उनको अलग अलग लोकेशंस पे रखा जा सकता है, लेकिन अभी भी यही है, और इसकी वजह से नुकसान जो है आम लोगों को, आम जनता को। अभी भी देखिए अब गाड़ी निकल रही है, और गाड़ी चलने के बाद डस्ट देखिए कितनी ज़्यादा है, पूरी हालात है यहाँ पर, डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, पीछे जो भी गाड़ी जा रही है आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं, डस्ट ही डस्ट है, यानी बीमार भी जो है इसी वजह से लोग यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन इस पे तवज्जा नहीं। उम्मीद रहेगी आने वाले कल में खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि वो संज्ञान लेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, जो हालात अभी खासतौर पर डोडा की है और जो हालात अभी खासतौर पर पुलडोड़ा घाट रोड की है, इस पे संज्ञान लिया जाएगा, इस पे कार्रवाई की जाएगी, और जो कुछ सूरत हाल अभी इस रोड की है, चाहे वजह कुछ भी हो, उस वजह को देखा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, और आने वाले टाइम में पुलडोड़ा घाट रोड को जो है बेहतर बनाया जाएगा।